बेंगलुरु में बजा भारतीय बल्लेबाजों का बैंड, कीवियों के सामने खुल गई भारतीय बल्लेबाजी की पोल। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। पूरी की पूरी टीम 40 रन के स्कोर पर आकर सिमट गई, हर कोई दंग रह गया। चलिए ये भी मान लेते हैं कि इट वॉज अ बैड डे, जैसे रोहित शर्मा ने कहा, लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो है टीम इंडिया के कप्तान के फैसलों पर और टीम इंडिया के इंटेंट पर। और सबसे बड़ा फैसला जो आज लिया गया वो था विराट कोहली को लेकर। वो विराट कोहली जो नंबर 4 पर लगातार ना जाने कितने सालों से खेल रहे, वो विराट कोहली जिन्होंने आखिरी बार नंबर 3 पे साल 2016 में बल्लेबाजी की थी, आज एकाएक उन्हें यहाँ पे मौका दिया जाता है नंबर 3 पे। आखिर मौका क्यों दिया जाता है? क्योंकि शुभमन गिल आज का मुकाबला नेक स्टिफनेस की वजह से नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह सरफराज खान आते हैं और सरफराज खान को नंबर 3 की जगह नंबर 4 खिलाया जाता है। सोचिए, एक खिलाड़ी नहीं है, दूसरा खिलाड़ी आता है, लेकिन विराट कोहली जिस खिलाड़ी ने 7000 से ज्यादा रन नंबर 4 पे बल्लेबाजी करते हुए बना दिए, उसको उठा के नंबर 3 पर डाल दिया जाता है। अब आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों ये छेड़छाड़ की गई, इस पर भी रोहित शर्मा ने अपना बयान दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि रोहित शर्मा ने इस मुद्दे पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम केएल की बल्लेबाजी की स्थिति को ज्यादा नहीं छूना चाहते, उन्हें नंबर 6 की पोजीशन मिल गई है और यहाँ पर हम उन्हें एक लंबा समय देना चाहते हैं, यानी कि लंबी रोप देना चाहते हैं। सरफराज के बारे में बोलते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि सरफराज के साथ भी हम उन्हें वैसी ही स्थिति देना चाहते थे जहाँ वे बल्लेबाजी करते हों। अब बात आई विराट की, तो उन्होंने कहा कि इसलिए विराट ही वे व्यक्ति थे जो जिम्मेदारी लेना चाहते थे और ये एक अच्छा संकेत है खिलाड़ियों के द्वारा जो जिम्मेदारी ली जा रही है। अब विराट कोहली ने तो जिम्मेदारी ले ली, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो खिलाड़ी आपका सबसे दिग्गज बल्लेबाज है, क्या उसकी जगह के साथ ऐसी छेड़छाड़ सही है जब वो खुद फॉर्म में नहीं है? विराट कोहली के बल्ले से काफी लंबे समय से बड़ी पारी देखने को नहीं मिली है टेस्ट क्रिकेट में, उस समय में क्या ये छेड़छाड़ सही है? जब आप BGT की तैयारी कर रहे हैं, क्या उस समय में ये छेड़छाड़ सही है? ये कई सारे सवाल हैं। अब उम्मीद यही होगी कि अगले मुकाबले में जब शुभमन गिल वापसी करते हैं तो उनको यहाँ पर दोबारा से नंबर 4 पर खेलने का मौका मिले विराट कोहली को। और अगर आज अपनी गलती का एहसास रोहित शर्मा को हुआ है तो अगली ही पारी में विराट कोहली को दोबारा से नंबर 4 पर खिलाना चाहिए और सरफराज खान को कहना चाहिए कि आइए और नंबर 3 पर खेलिए, वरना आपके लिए टीम में जगह नहीं है। वैसे आप लोगों की क्या राय है कि विराट कोहली को नंबर 4 से नंबर 3 पर भेजना क्या रोहित शर्मा का ये सही फैसला था या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।